गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। बट दो टाइप के नंबर होते हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो आज हम बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के। अगर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के देखने हैं तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। पर जैसे कि हेडिंग पढ़ा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जिसका अंडर रूट इजीली बाय प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जा सकता है। बट जैसे कि आप जानते हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स का लेक्चर है, तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई जाएगी कि आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालें, मींस परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, तो वो अप्लाई करने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर्स अच्छे से याद होने चाहिए। अगर वो आपको अच्छे से याद हैं तो आप उनके जरिए इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर की साइड वो नंबर्स लिख दे रहे हैं, फिर हम इधर की साइड सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1 जो होता है उसका स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारे स्क्वायर्स लिख दिए हैं। हमें क्या करना है कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर हमें सारे अच्छे से पता है। उसके बाद हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जो स्क्वायर नंबर ले लेते हैं जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, वो नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए, अगर आपको ये परफेक्टली लर्न है तो इनका यूज करके आप वो इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी चीज को अब हम आगे बढ़ाते हैं और हम लेते हैं 7, 2, 9। अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे तो आपको काफी समय लगने वाला है। लेकिन अगर आपको जो आज हम ट्रिक बताने जा रहे हैं उसका यूज करके निकालेंगे तो आपका ये आंसर ओनली 2 या 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी मेथड हो या कुछ भी लर्न करना हो तो उसके लिए टाइम तो लगता है। लेकिन जब वो हमें अच्छे से आ जाता है, तब उसकी जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा टाइम कंज्यूम होना बहुत कम हो जाता है। उसके हम ये 2 या 3 सेकंड या ज्यादातर बस 4 या 5 सेकंड में उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हमारी फर्स्ट स्टेप है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आप वो अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सीख लीजिए, लर्न कर लीजिए। उसके बाद हम इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है वो करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, आपको लास्ट से पेयर बनाना होगा, वो हमारे क्या हो जाएगा 29। अब हमें ये देखना है जो 9 है, ठीक है, वो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उसमें किसके एंड में आ रहा है 9। तो जो 9 है वो हमारा इसमें आ रहा है और हमारा इसमें आ रहा है। ठीक है, तो 9 किसमें आ रहा है, 3 में और 7 में। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी जो यूनिट डिजिट्स है वो 3 हो गई एंड 7 हो गई। अब इन दोनों से कौन सी डिजिट होगी वो अभी हमें नहीं पता। तो हमने क्या करा, जो लास्ट के 2 नंबर्स हैं 29, तो जो 9 नंबर है वो हमारा किसके एंड में आ रहा है, एक तो 3 के स्क्वायर में आ रहा है, एक 7 के स्क्वायर में आ रहा है। तो उससे हमारा ये पता पड़ गया इसकी जो यूनिट डिजिट होगी या तो 3 होगी या 7 होगी। अब फाइनली होगी कौन सी और टेंस डिजिट क्या होगी, हम वो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा 7। तो आप ये देखिए जो 7 है वो किसके बीच में पड़ रहा है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है इसका परफेक्ट स्क्वायर जो 7 है उनके बीच में हो। तो जैसे कि 7 है तो हमारा 4 और 9 के बीच में पड़ रहा है, तो जिसके बीच में पड़ रहा है उससे ऊपर वाला नंबर लेते हैं ऑलवेज, दैट इज 2। आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो जैसे कि हमने क्या करा, यहाँ पे हमने नंबर देखा 7, तो 7 हम देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है उनमें से किसके बीच में पड़ रहा है। जिसके बीच में नंबर पड़ रहा है तो उसके जस्ट ऊपर वाला हम नंबर ले लेते हैं। तो हमारा इन दोनों के बीच में पड़ा है, तो इसके ऊपर नंबर हमारा कौन सा है 2, तो हमने वो ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 में सिर्फ एक 1 प्लस कर देंगे, आपको बस इतना ही याद रखना है। 2 में हम क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, मीन 3 हो गया। और एट लास्ट बस आपका अप्रोक्स हो ही गया, आपको बस मल्टीप्लाई करना है 6।
अब आपको बस गौर से इतना देखना है कि जो ये वाला नंबर है वो 6 से कम है या 6 से ज्यादा, और ये वाला नंबर इससे ज्यादा है तो आपको ज्यादा वाला नंबर लेना है, अगर ये वाला नंबर इससे कम है तो आपको कम वाला नंबर लेना है। तो अभी इससे ज्यादा है ना, तो हम ज्यादा वाला नंबर लेंगे, मीन्स 7। तो हमारा आ गया ये 27। आई होप अभी आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन अभी हम इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। तो 7 to 9 का आपका कितना आंसर आ गया? 27। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 3 to 4। तो इसके एंड में हमारा कौन सा नंबर है? इसके एंड में हमारा नंबर है 24। हम लास्ट से पेयर बनाते हैं ऑलवेज 24, तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4। आप स्क्वायर नंबर में चेक करिए किसके एंड में हमारा 4 है। एक तो हमारे इसके एंड में 4 है और एक हमारा किसके एंड में 4 है, 8 के। तो या तो हमारा नंबर जो होगा वो 2 होगा, या फिर हमारा 8 होगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब इसमें से कौन सा होगा वो अभी हमें नहीं पता, तो हम अगेन आगे की स्टेप्स फॉलो करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, आप देखिए 3 किन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच में आ रहा है? तो 4 और 9 इनके बीच में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो हमारा जो आ रहा है वो 1 और 4 के बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में 3 आ रहा है। तो 1 और 4 है किसके? 1 और 2 के। लेकिन जैसे कि हमने बताया, जिसके बीच में पड़ता है उससे जस्ट ऊपर वाला नंबर लेता है, तो इनके बीच में 3 पड़ेगा, तो इससे ऊपर वाला नंबर क्या है? 1। तो हमने 1 ले लिया। अब जैसे कि हमने बताया कि 1 ले लिया, 1 के बाद जो भी आपका यहां पे नंबर है उसमें 1 प्लस कर देना है, तो वो हमारा 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 आ गया। आपको क्या देखना है? जो ये वाला नंबर है वो इससे ज्यादा है या कम है? तो ये वाला नंबर ज्यादा है, तो आपको इधर ज्यादा वाला नंबर लेना है, 18। और आप इसको चेक करना चाहें तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 8 8 जो 64, 8 1 जो 8 और 6 14, 1 8 जो 8 1 1 जो 1, तो आपका 3 to 4 आ गया। अब आपको ये बार बार नंबर्स देखने पड़ते हैं। अब हम इसका आंसर सिर्फ सेकंड शो में करते हैं, सेकंड शो में मीन्स आपको अगर ये बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न है तो इसकी भी ट्रिक्स के अंदर एक और ट्रिक है जिसके थ्रू आप इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये क्वेश्चन लिया था 7 to 9, तो आपको ये पता ही है कि किसके एंड में आता है ये 9, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर है उसके एंड में आता है। आपको ये बार बार दो नंबर देखने पड़ते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक और लॉजिक बता दूं, और आप इन नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपका ऑलवेज 10 आएगा। और आपका एक नंबर 3 हो गया, तो आप विदाउट उसमें देखे 10 - 3 7 लिख सकते हैं। आपका यहाँ पे 2 है, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे 10 आएगा, तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, ठीक है? अब तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आपको एक नंबर तो इजीली मिल जाएगा। अगर आपको दूसरा नंबर निकालना हो तो आप 10 में से माइनस कर दीजिए, जैसे कि हम जानते हैं ऑलवेज प्लस करने पे 10 आएगा। और हम इसके कुछ और एग्जांपल्स लेना चाहें, कुछ और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि हम इसका कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 4 4 1। तो हमने बताया कि लास्ट से हम एक पेयर बनाएंगे 41। तो हम 41 में क्या करेंगे कि नंबर देखेंगे कि लास्ट का जो नंबर है 1 वो किन के बीच में है, या मतलब लास्ट में कौन सा नंबर ऐसा है जहां पे 1 आ रहा हो, तो वो नंबर हमारा 1 है। अब जैसे कि हमने बताया कि आपको दूसरा नंबर चाहिए, तो आपका 9 हो जाएगा, 10 में से बन गया 9, या फिर आप देख भी सकते हैं 9 के स्क्वायर के एंड में 1 हमारा आ रहा है। अब बात रहती है हमारी 10 रेट की, इनमें तो हमारा कोई ना कोई नंबर हो जाएगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, बट अब इसमें हमारा कौन सा नंबर है हम उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर पड़ रहा है 4, तो 4 किसके बीच में पड़ रहा है? अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो 4 हमारे किसके बीच में नहीं पड़ रहा, सीधे 2 का स्क्वायर है, ठीक है? तो हमारा जब ये 2 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया आपको टेन डेट मिल गई यहाँ पे 2, लेकिन अभी आपको यूनिट डेट और चाहिए। यूनिट डेट आपको पता करने के लिए इस नंबर में आपको 1 प्लस करना है, 2 + 1 = 3, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देना है 6। वही प्रीवियस स्टेप्स हैं। अब आपका 6 आ गया, अब आपको ये देखना है ये वाला नंबर जो है वो इससे कम है या ज्यादा है, और ये वाला नंबर इससे कम है, मींस 4 इज लेस देन 6,
तो आपको कम वाला नंबर लेना है, और इससे ज्यादा होता तो आपको ज्यादा वाला नंबर लेना है। तो ये कम है तो हम कम वाला नंबर लेंगे, दैट इज 21। आप पे 21 आ गया। आई होप ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे होंगे धीरे धीरे, और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। तो अगर आप इसी सीरीज को और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा भी। सपोज दैट अब हमने ले लिया 576, तो जब हमने 576 ले लिया तो लास्ट में हमारा नंबर क्या है 6, तो हम इसका पेयर बनाएंगे तो 6। तो ऐसा हमें एक नंबर उसमें से देखना पड़ेगा कि जिसके एंड में 6 आ रहा हो, तो हमारा कौन सा नंबर है वो 4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया आपको दूसरा नंबर पता करना चाहे टेबल में से देख लीजिए, या आप 10 में से 4 माइनस कर दीजिए तो आपका 6 आ जाएगा। तो आपकी वंस डिजिट कंफर्म होगी, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब 10 डिजिट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है 5, तो 5 किसके बीच में पड़ रहा है, 5 हमारा इन दोनों के बीच में पड़ रहा है। तो हमने पहले बताया जा चुका है कि जस्ट प्रीवियस वाला नंबर लेते हैं, तो मीन्स 2। हमने बताया कि 2 लेते हैं तो 2 में ऑलवेज 1 प्लस करना होता है 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा 2 था वो तो है ही, अब ये हमारा 6 आ गया, तो ये जो 5 है वो लेस देन है 6 से, तो मीन्स हमें छोटा वाला नंबर लेना है 4। तो आपके आंसर आ गया 24। अगर 24 का 24 है मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका अगेन 576 आ जाएगा। ऐसे आप काफी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे यहाँ पे 4 एग्जाम्पल हो चुके हैं, और आपकी जो भी प्रोसेस है वो हर एग्जाम्पल में सेम है। तो एक बार मैं हल्के से रिपीट कर दे रहा हूँ कि सबसे पहले हम लास्ट का नंबर देखेंगे किसमें मैच हो रहा है, 6 है तो हमारा 4 में है एंड 6 में है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारी वन डेट पता पड़ गई, ये जो नेक्स्ट डेट है 10 डेट वो हमारी क्या होगी, तो 5 है, 5 किसके बीच में पड़ रहा है, तो हमने 2 ले लिया, 2 में 1 प्लस करा 3 3 2 6, बट 5 इज लेस देन 6, सो 2 एंड 4 आवर फाइनल आंसर इज 24। तो जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हम 3 डेट्स ना लेके अगर हम 4 डेट्स लें तो भी आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो सेम रहेगी, आप उसको भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 डेट का 6 0 8 4। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम बता चुके हैं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कि जो भी नंबर्स हैं इधर की साइड मीन्स यूनिट डेट पे उसका आपको पेयर बना लेना है, तो जो भी हम पेयर बनाएंगे वो आपका 84 हो जाएगा, 84 आपका पेयर हो गया। अब आपको 84 पेयर का क्या करना है, ये देखना है किन नंबर्स के बीच में पड़ रहा है। तो ये हमारा पड़ रहा है 84, 9 और 10 के बीच में, ठीक है। हमारा जो नंबर है 6084 है वो हमारा किसके बीच में पड़ रहा है, 9 और 10 के बीच में। 9 और 10 के बीच में जब हमारा पड़ रहा है तो हम क्या लेंगे, 9 और 10 मीन्स छोटा वाला नंबर, और किसके बीच में पड़ रहा है हमारा 9 और 10 मीन्स 84 पड़ रहा है। तो एक्चुअली हमें सिर्फ लास्ट वाली डेट देखनी है, ठीक है। तो लास्ट वाली डेट देखनी है तो हमारा वो क्या है 4, तो हम 4 देखेंगे किन किन में है, 4 है हमारा ये और 4 ये मीन्स 2 और 8, 2 एंड 8। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपके दो नंबर आ गए 2 एंड 8, ये यूनिट डेट होगी, ये तो हमारे तक कंफर्म हो गया, इन दोनों में से होगी। हमें 10 डेट कंफर्म करनी है, वो क्या है हमारा 60, हम 60 देखेंगे किसके बीच में पड़ रहा है। तो जो हमारा 60 है वो हमारे बीच में पड़ेगा 7 और 8 के बीच में, तो हम 7 नंबर ले लेंगे। आप बता चुके हैं कि आपने 7 नंबर ले लिया, आप उसमें 1 प्लस कर दीजिए तो हमारा कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई करा 56। हम इसको इससे कंपेयर करेंगे तो जो 60 है वो बड़ा है 56 से, मींस आपका ये वाला नंबर इससे बड़ा है, तो आपको इधर बड़ा वाला नंबर लेना है 78। यही आपका आंसर हो गया, आप चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं, 78 मल्टीप्लाई 78, 88 जा 64, 87 जा 56 और 6 62, 87 जा
56, 7 7 जा 49 और 5 54, 4 8 10 6, 6 0 8 4, मीन हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया है। और आप इस टाइप के और एग्जांपल्स करना चाहें आप और कर लीजिए। हम एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जिससे श्योर हो जाए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी टाइप की वीडियोज आपको डेली मिलती रहेंगी जो किसी ना किसी ट्रिक से रिलेटेड होंगी या किसी ना किसी शॉर्ट मेथड से रिलेटेड होंगी। सो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा भी, वो है हमारा 6 8 8 9। तो हमने बताया कि हम लास्ट से नंबर देखें तो यहाँ पे 89 है, हमारा लास्ट में क्या है 9, तो 9 किसके बीच में पड़ रहा है, एक 7 है और 3 है, तो या तो हमारा एक नंबर 3 होगा या फिर एक हमारा नंबर 7 होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, ये 3 हो गया 7 हो गया, इन दो में से एक नंबर हो गया होगा, इतना कंफर्म है। अब इतना कंफर्म होने के बाद हमें क्या करना है, 68 वो हमारे किसके बीच में पड़ रहा है, 68 पड़ रहा है हमारा इन दोनों के बीच में, मीन्स हमें कौन सा लेना है, तो फिर 8। अब 8 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 8 जा 72, तो जो 68 है वो हमारा 72 से कम है, तो 68 इज लेस देन 72, मीन्स जब ये वाला नंबर आपका कम है तो आपको कम वाला नंबर लेना है, मीन्स 83। तो जो आपका ये इसका फाइनल आंसर होगा वो आपका 83 हो जाएगा। आई होप ये जो पूरा प्रोसीजर है पूरा पैटर्न है हमने काफी सारे एग्जांपल्स कर चुके हैं, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको इसी टाइप से टेक से रिलेटेड और फर्दर वीडियो चाहिए देन प्लीज क्लिक ऑन द आई आइकन, आप इस आई आइकन पे क्लिक करके हमारे और वीडियोस पर जा सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जो हमारा मैथमेटिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है, वहां पे आपको डेली मैथमेटिक्स के एंड टिप्स एंड ट्रिक्स की न्यू वीडियोस मिलेंगी। और इस पूरे प्रोसीजर में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, एंड आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे निकालें स्क्वायर रूट लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, उसका भी एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है, वहां आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब तक के लिए थैंक यू। इसी प्रकार की और लेटेस्ट वीडियोज एंड अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस रेड आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।